सिंगाड़ा पकड़ लिया भाई ने, ये देखो ये जिंदा है मछली। अरे रुक जा रुक जा भाई। ये देखो आप सब, यहाँ पीछे से अगर मैं ऐसा दिखाता हूँ तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है बॉम्बे की। तेरे देखो तो यार काफ़ी हिल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ ये कहाँ से ऑपरेट हो रही होगी, कैसे चल रही है यार। थोड़ी दूर है मुझसे लेकिन आप लोगों को छोटी दिखेगी लेकिन है बहुत बड़ी। चलो मैं इसको यहीं खड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा किनारे पर इसको ले जा नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी है, नीचे ज़मीन पर अट जाएगी। देखो ये भाई इसको पकड़ने के लिए गया और ये अच्छे ओपन हो गया यार। तो मेरे पीछे आप लोगों को ताश तो दिख ही रही होगी आपको। और ये देखो अब ये है गेट ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुंबई से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ मुंबई पोर्ट, जहाँ पे मछलियाँ पकड़ के लाई जाती है और पूरे मुंबई शहर में सप्लाई की जाती है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा डोकयार्ड रेलवे स्टेशन। तो मैं फिलहाल पहुँच गया हूँ डोकयार्ड रेलवे स्टेशन। यहाँ से मुंबई पोर्ट की जो दूरी है 15 से 20 मिनट की है। तो भाई आ गया हूँ मैं डोकयार्ड, ये जो मुंबई पोर्ट है वहाँ पर। डोकयार्ड रेलवे स्टेशन से मुंबई पोर्ट की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है और टैक्सी वाले ने मुझे चार्ज किया 50 रुपये। कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पे, खतरनाक माहौल है यार, गजब बड़ा है यार। सामने देखो आप, एक फेरी भी खड़ी है, देखता हूँ फेरी का क्या, अगर कुछ होगा तो सिस्टम मैं भी फेरी में बैठने का ट्राई करूँगा। तो इधर आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी वापस डोकयार्ड रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। और सुबह अगर आप जल्दी आते हो अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ पे मछलियों के ऑक्शन किए जाते हैं। मैं अंदर लेके चलता हूँ मार्केट के अंदर। ये देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिश आई बेच रही है, देखो जिंदा केकड़े भी यहाँ पे पड़े। ये देखो ये जिंदा ये केकड़े, ये देखो आप, दिखाऊँ मैं आपको साइड में से आके दिखाऊँ। हाय हाय, देखो छोटा सा बच्चा भी काम कर रहा है इधर। ये देखो ये है बोंडा, सिंगाड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉक से लगे सेलेक्ट। अच्छा ऐसा खाएगा? कौन सी लैंग्वेज बोल रहे तू? याड़ी। अच्छा मेरे को आती नहीं है यार, हिंदी आती है? हिंदी आती है। हाँ तो हिंदी भी बोल दे, मेरे को आती नहीं है यार। ये कोती कोती, ये कोती है प्रॉन्स। देखो आप किस तरीके से भर के लेके जा रही है और क्या साइज है प्रॉन्स का यार, इतनी बड़ी। देखो ये छोटे से बच्चे ने यहाँ पे एक फिश पकड़ी है। ये कौन सी फिश पकड़ी भाई तूने? सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा पकड़ लिया भाई ने, ये देखो ये जिंदा है मछली। अरे रुक जा रुक जा, ये इसने पकड़ी है भाई ने। भरी मात्रा में यहाँ पे फिश मिल जाएगी आपको यार। अरे यार ये देखो सांप भी पड़ा है इसके अंदर। सांप नहीं है, ये चकुंदर है। चकुंदर, चकुंदर है, निकालो एक बार। ये देखो भाई, ये मतलब एकदम सांप के जैसा दिख रहा लेकिन है चकुंदर भाई। भाई साहब इसके गले में डालेगा। ये देखो भाई, ये भाई ये मछली गले में डाल रहा है सांप के जैसे। डाल डाल नीचे वो डाल भाई साहब। गजब यार। तो आपको एक अपडेट और देता हूँ, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसके आगे वीडियो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? उसका कारण ये है क्योंकि ये डिफेंस एरिया है, पूरी आर्मी बैठा रखी है उधर, तो अंदर वीडियो अलाउड है नहीं। लेकिन मैं उधर का तो वीडियो बना ही सकता हूँ, बाहर का जितना बनेगा मैं उतना बनाता हूँ। ये भाई देखो इतनी छोटी सी, मतलब अपने जुगाड़ में साइकिल के ऊपर बिरयानी। वाह बिरयानी का रंग तो अच्छा दिख देगा पेपर उठा के। तो ये बिरयानी बेच रहा है इधर भाई। कितना रुपये प्लेट है? आप 50 के और फुल? फुल 70 और आप 50। यहाँ से आगे चलता हूँ थोड़ा फेरी वेरी की तरफ। तो भाई वो सामने जो आप देख रहे हो ये है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बहुचा धक्का प्रवासी धक्का। तो यहाँ पे एक थोड़ा मार्केट भी बना हुआ है और यहाँ पे फेरी भी बैठ के आप थोड़ा सा जा भी सकते हो। तो देखता हूँ मैं फेरी कहाँ तक जाती है, कितना टाइम लेती है और कितना चार्ज होता है, तो देखता हूँ फेरी के अंदर भी घूम के आ जाता हूँ। भाई यहाँ पे भी ये ठंडा वंडा बेच रहा है, ये छोटा मार्केट यहाँ पे बना हुआ है। इधर ये नाश्ते पानी की दुकानें हैं दो चार, सब लोग यहाँ पे फेरी की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे फेरी में बैठना था, तो यहाँ से फेरी मोरा तक जाएगी, मोरा से वापस अपन रिटर्न आ जाएंगे। तो हर आधे एक घंटे के अंदर यहाँ पे फेरी चलती है। अभी जो फेरी जो नेक्स्ट जाएगी वो जाएगी 1 बजे और अभी बज रही है 12, तो मुझे करीबन 1 घंटे का यहाँ पे वेट करना है। ये सामने जो है ना ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट मिलेगा, अभी फिलहाल बंद है। A few moments later. तो भाई मैंने टिकट ले लिया है मोरा के लिए। टिकट ऐसा कुछ दिखता है 80 रुपीज़ है और जाने का जो समय लगेगा हमको लगभग 1 घंटा लगेगा। भाई फेरी निकल गई है, मैं फेरी में बैठ गया हूँ। कुछ 1 घंटे का सफ़र है मुंबई से मोरा तक का और चार्ज तो मैंने आपको बता ही दिया है 80 रुपये के करीबन पर पर्सन। और इतने लोग हैं जो डेली फेरी के अंदर बैठ के मुंबई से मोरा, मोरा से मुंबई आते हैं। देखो इस तरीके से दिखती है और वहाँ का माहौल दिखा देता हूँ, बहुत सारी फेरी यहाँ पर खड़ी है। ये पूरा जो सी है ये अरब सागर है,
और डेली की रूटीन के लिए ये फेरी काम आती है आने जाने के लोगों के, जैसे अपने सिटी के अंदर बस लोकल ट्रेन या मेट्रो जैसे चलती है वैसे समुद्र से आने जाने के लिए हमें फेरी काम आती है। और अगर मैं गर्मी का हाल सुनाऊँ तो भाई गर्मी बहुत बेहिसाब है, बहुत भयंकर वाली गर्मी है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं थक चुका हूँ। और वहाँ पे मैं एक्चुअली में जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं फेरी के अंदर आके बैठ के फिर वीडियो बना रहा हूँ। एक घंटे अपन को इसी के अंदर बैठना है, ये भी कुछ अलग एक्सपीरियंस है। वही अगर किसी को समुंदर के रास्ते सबसे सस्ती फेरी के अंदर बैठना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। 80 रुपये के अंदर आपको 45 मिनट 50 मिनट तक फेरी में बैठेंगे, तो मेरे हिसाब से यार पैसा बढ़ते हैं, 80 रुपये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर मसाला डोसा खाओगे वही 40-50 रुपये का आ जाता है। तो भाई मैं थोड़ा फेरी दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से दिखती है फेरी। यहाँ पे लोग सो भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है आधे घंटे एक घंटे कुछ करना नहीं है, आराम से रेस्ट भी कर रहे हैं। और ये सब जो भी लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग सब मच्छी का फिश का व्यापार करते हैं और सुबह यहाँ से मोरत से बॉम्बे आ जाते हैं, फिर उसी टाइम पर जब इनकी फिश खत्म हो जाती है या बिजनेस ख़त्म हो जाता है तब ये लोग वापस मुंबई से मोरत आते हैं। तो ये लोग इस तरीके से देखो सब रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे ये लोग मुंबई आते हैं। थोड़ा उधर चला जाऊँगे तो भाई देखो यहाँ पे दो भाई लोग हैं, ये फेरी को अभी मेंटेन कर रहे हैं। ये देखो पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं, टायर वगैरह लगाए हुए चारों तरफ ताकि एक दूसरे से अगर फेरी टच होती है तो स्क्रैच ना लगे या कोई मान जा कुछ नुकसान ना हो, मतलब कहने का मतलब। सामने देखो यार एक बड़ी फेरी आ रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो आप सब यहाँ पीछे से अगर मैं ऐसा दिखाता हूँ तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है बॉम्बे की, क्या मस्त माहौल दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये देखो पीछे से इतने लोग बैठे हैं, कम से कम नहीं करके 100-125 लोग हैं इस फेरी के अंदर। ये है यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने की, धूप बहुत खतरनाक है ऊपर, यहाँ ऊपर आने के बाद माहौल कुछ ऐसा दिखता है। देखो लोग अपने फ़ोटो वीडियो सब चल रही है धमाधम, और यार हील खतरनाक रही है। ये भाई इधर से ड्राइवर साहब हमारे ऐसे चला रहे गाड़ी को, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पूरा ध्यान से गाड़ी को चला रहे, इधर स्पीड होगी कम से कम 20-25 या 30 के बीच की। फेरी देखो तो यार काफ़ी हिल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, पकड़े बिना आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई चीज़ को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। तो वो है सबसे बड़ा सीलिंग जो यार बहुत लंबा है वो, यार मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है। और ये देखो इधर एक बड़ी फेरी देखने को मिलेगी आपको, ये देखो आप इतनी बड़ी है मेरे सामने, ये शिप आपको दिखाता हूँ मैं, इसको देखो आप ऐसा, ये कहाँ से ऑपरेट हो रही होगी, कैसे चल रही है यार, ये गजब बड़ी है भाई, गजब बड़ी है सागा। तो भाई काफ़ी देर हो गई आते आते, कम से कम 10-15 मिनट हो गए। ये 10-15 मिनट के बाद में देखो ये थोड़ा सा समुंदर के बीच में आए और एक ये बड़ी शिप आ रही है उधर से, देखो बड़ी फेरी बोलूँगा इसको, शिप तो नहीं, मैं दिखाता हूँ यार इतनी बड़ी शिप आती है सामने, थोड़ी दूर है मुझसे लेकिन आप लोगों को छोटी दिखेगी लेकिन है बहुत बड़ी। और ये जो शिपें होती है ये सब ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं यहाँ पे, माल इधर से उधर ले जाना, आउट ऑफ इंडिया ले जाना। और यार इस शिप के ऊपर कितने सारे कंटेनर लाद रखे हैं, आप देखो कितना वजन होगा इसके ऊपर, अगर मैं गिनती करूँगा तो गिनती तो नहीं होंगे, लेकिन इतने सारे कंटेनर लाद रखे यार, और कम से कम 20-25 की स्पीड से चल रही है ये शिप, पता नहीं कहाँ जा रही है, आउट ऑफ इंडिया जा रही है ये। अब ये देखो यार और कितनी बड़ी है ये यार, गजब। सामने एक और आ रही है उधर से, तारों से इसको बांधा गया, कम से कम 5-7 तार इधर है, फिर 5-7 तार उधर है, फिर 5-7 तार उधर है, इनको सब ऐसे बांधा गया ताकि ये पानी के बहाव से इधर उधर हिले नहीं, एक ही जगह पे फिक्स रहे। और बांधने के लिए ऐसे सब पिल्लर से जो सीमेंट से कुछ बनाए हुए खम्भे उनसे बांधा गया। और ये देखो यहाँ यार एक्सट्रीम लेवल बढ़ी है, तो यार भाई साहब चलाना कैसा होगा यार। एक्चुअली मैं इसको यहीं खड़ी कर सकते, ज़्यादा किनारे पे इसको ले जा नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी है, नीचे ज़मीन पे अट जाएगी ये किनारे पे ले गए तो, इसको बस इसी इतना दूरी पानी के अंदर खड़ा रहना रखना पड़ेगा इसको। सामने छोटी छोटी तो आ रही है, कितनी दिख रही है सामने, दो शिप और खड़ी है वहाँ पे बड़ी बड़ी, लेकिन यार 80 रुपये के अंदर मेरे हिसाब से तो बढ़ते। अब एक्चुअली मैं शिप को देखो आप, जब मैंने आपको दिखाई थी वो पीछे बैक साइड से था, लेकिन अब लंबाई देखो आप वहाँ से लेके वहाँ तक है। अब यार थोड़ा आगे आने के बाद में बहुत ज़्यादा उछल रही है, अब बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे लोग देखो बिस्किट भी डाल रहे हैं मछलियों के लिए। और वैसे देखा जाए तो आज समुद्र थोड़ा शांत है, नहीं तो जब उफान पे होता है तो फेरी के अंदर बैठना, मैं तो खड़ा हूँ फिलहाल, बैठना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन पकड़ के खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे वीडियो भी बनाना है यार। बाकी अच्छा लग रहा है 80 रुपये के अंदर, तो मेरे हिसाब से बढ़ते हैं और ठीक है
सामने एक टापू भी आया है, इधर पूरा खाली पड़ा, एक भी नाव इधर आपको पास में तो देखने को नहीं है, उधर दूर दूर बहुत है उधर। भाई साहब वो भाई उस सरिये को पकड़ने के लिए गया, वो खुल गया एकदम से, लगाना पड़ेगा इसको यार, बहुत डेंजर चीज़ है यार। ये देखो ये भाई इसको पकड़ने के लिए गया और ये अच्छे ओपन हो गया यार, और नीचे आप देखो मतलब बचने का भी चांस नहीं है इधर, ये नहीं लगेगा भाई, थोड़ा रिस्क है उस्ताद इसमें। लगाओ लगाओ लगाओ, लगेगा हाँ लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है भाई ये तो, लेकिन ये भाई बच गया यार, नहीं लग रहा है भाई, रिस्क है भाई। ये आया भाई मेंटेन करने वाला, अब लगा रहा है इसको, अब लग गया भाई, वो निकला ना भाई, इधर ही खड़ा था पास में यार। ये देखो एक सामने एक और बड़ी शिप, ये सब ट्रांसपोर्ट का काम होता है, और उसे पूरा अड़ावा उन्होंने उधर सेट कर रखा अपना ट्रांसपोर्ट का। कुछ भाई लोग भी मिले मुझे शिप के अंदर, ये भाई लोग सब ने अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो भाई को। कैसा लग रहा है वैसे फेरी में? बहुत बढ़िया है। पैसा वसूल 80 रुपये? अरे बिल्कुल, 800 का मजा 80 में है, 800 का मजा 80 में, 800 का मजा 80 में। तो भाई मैं जब पौंडीचेरी गया था तो उसमें मैंने 500 रुपये दिए थे सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाने के, वो राइड के अंदर, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना आप लोग। उसके बाद में मैं पैराडाइज बीच गया था पौंडीचेरी के अंदर, उसमें मैंने 400 रुपये 355 रुपये जैसे कुछ दिया था। अब उस वो जर्नी और ये जर्नी को कंपेयर करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है, करीबन 1 घंटा है, और 1 घंटे में सिर्फ 80 रुपये हुए भाई ने, सही बोला 800 रुपये का मजा 80 रुपये में। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, धन्यवाद आप लोगों का। ये मोरा का स्टेशन आ गया, वहाँ पे अपन को फेरी उतार देगी। चलो भाई आगे, ये है देखो यहाँ पे मोरा का स्टेशन, सामने जो आप देख रहे हो ना पूरा अड़ावा जो दुकान सेट कर रही है, वो सब ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, वहाँ से सब माल ट्रांसपोर्ट होता है। छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको बूंद बूंद वाली नाव भी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो भाई इधर से शॉर्टकट में गया, मैं नीचे से जाऊँगा यार। भाई साहब आंटी चिल्ला रही है, आंटी चिल्ला के मजे ले रही है। अभी ये देखो आप, ये टू व्हीलर सारी इन लोगों ने यहाँ खड़ी की है, सब लोग फेरी के अंदर बैठ के मुंबई जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, तो टू व्हीलर यहीं लगा के चले जाते हैं, शाम को यहीं आके वापस ये टू व्हीलर उठा लेते हैं। अभी यहाँ से वहाँ तक हमको पैदल पैदल लंबा चलना है। तो भाई मैं आ गया हूँ मोरा के बाहर, ये देखो ये है और वो सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से अपन जब रिटर्न जाएंगे तो वहाँ से वापस टिकट लेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनेगी, थोड़ा मैं आपको घुमा देता हूँ बाहर यार, थोड़ा सा नहीं मैं नहीं आऊँगा मैं जाऊँगा। यहाँ पे एक छोटी सी होटल बनी रही है, होटल एके वीरा, और ये कुछ इस तरीके से एक सामने मंदिर बना हुआ है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई, थोड़ा अंदर घुमा के लेके आ देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ऐसे रिक्शे खड़े हैं, गर्मी खतरनाक है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, गर्मी का माहौल एकदम, मौसम खतरनाक है। सामने भी मंदिर है श्री नगिन देवी, ये लो भाई ये रिक्शे वाले, क्या नाम भाई आपका? जुबेश। जुबेश वाह थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया पहुँच देते हो, मैं राजस्थान से फॉलो करो रिक्शे करो। हाँ थैंक यू, मेरे को एक चीज़ बहुत मस्त लगी है, सब लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया है महाराष्ट्र के अंदर। ये एक और मंदिर नीम देव, कुत्ता मेरे से डर रहा बेचारा। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत फिल्मों की बहुत सीरियल की यहाँ पे शूटिंग होती है, आप ये देख लो इसी तरह आपको पता चल जाएगा। मुंबई से थोड़ा अलग माहौल है, घर बढ़िया बनाए हुए एकदम, थोड़े बड़े बड़े घर देखने को मिले नहीं, तो वहाँ पर तो पूरा मतलब पास पास में छोटे छोटे घर, मंदिर बहुत है यार। ये चौथा मंदिर आ गया यहाँ पे, श्री दत्त मंदिर, मतलब वहाँ से उतरा जब से ये चौथा मंदिर है। तो भाई आगे आया तो वैसे ही घर बने हुए हैं, वैसे ही गलियाँ हैं, सामने आपको समुंदर वाला पोर्ट वाला एरिया मिल ही जाएगा, उधर वो सामने आप अगर चलते जाओगे तो। देखिए यहाँ से मैं रिटर्न ले लेता हूँ, फिर एक और मंदिर मिल गया, ये श्री राम मंदिर है। चलो यहाँ से फिर रिटर्न चलते हैं, और सबसे पहले मैं कोई होटल देख लेता हूँ यार, मुझे लग रही है भूख, कुछ खा लेता हूँ पी लेता हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ वापस टिकट काउंटर की तरफ, खाने के लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है यार, यहाँ पे एक छोटी दुकान मिलती है, शायद बड़ा पाव समोसा कुछ है तो मैं खा लेता हूँ। तो भाई एक बड़ा पाव खा लिया है, बड़ा पाव कुछ 12 रुपये का था, एक मैंने माजा की बोतल ली, तो टोटल अपना 57 रुपीज़ का बिल आया, और टिकट मैंने ले लिया रिटर्न फेरी का, जो अपनी रिटर्न फेरी है वो है 3 बजे की, और अभी बज रहे हैं 2। हेलो 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 सच में आ रहे भाई लोग बहुत बढ़िया, पकड़ पकड़ के हमको लीजिए, सच में मस्त मज़ा आया लोगों से मिल के मुझे। तो मैं ये बता रहा था कि जो अपनी रिटर्न फेरी है वो है 3 बजे की, और अभी बज रहे हैं 2, तो करीबन मुझे 1 घंटा और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। गर्मी इतनी है यार, वेट करना बहुत भारी पड़ रहा है, जब मैं आया था तब भी मैंने वहाँ पे 1 घंटा वेट किया था,
अभी फिर रिटर्न जाते हुए भी एक घंटा वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद अपन चलेंगे ताज होटल और गेट ऑफ इंडिया की तरफ। A few moments later. तो भाई फाइनली एक घंटा वेट करने के बाद में अपनी आ गई ये फेरी और देखो सामने लोग उतर रहे हैं, इसी में अपन जाएंगे। वहाँ बैठा था मैं सामने उस गाड़ी के पीछे, सब लोग मच्छी सेल करने वाले जो मोरा से मुंबई जाते हैं मच्छी का व्यापार करने के लिए, सबकी मच्छी बिक गई है, सब आगे रिटर्न अपने अपने घर। आपको दिखाऊंगा यार, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं हैं जो ये काम करती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जाती है और वापस शाम को आती है। ये देखो आप इनकी उम्र देखो यार, मतलब इस उम्र के अंदर भी ये जज्बा है कि इनको घर पर फ्री नहीं बैठना है, इस उम्र में भी ये लोग काम कर रहे हैं। देखो आज मुझे दिखाऊँगा यार, सब लोग मेरी दादी की और नानी की उम्र की है, कोई भी इसमें यंग नहीं दिख रहा है मुझे। देखो इस अम्मा से चला नहीं जा रहा है लेकिन काम करना है, मतलब ये जज्बा है इन लोगों के अंदर, फिर ही नहीं बैठना है। ये देखो इनकी उम्र, उधर जो आ रहे हैं उनकी उम्र, मतलब सब लोग एक मतलब सिमिलर सेम ही उम्र के हैं सब। सलाम करता हूँ इस जज्बे को, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना फिर दोपहर में आना, और इनकी उम्र देखो आप। ये लो अम्मा, दो ये लो, इधर रखो, ऊपर रखना है। ये लो जम मारना पड़ेगा। लेकिन जाएगा नहीं ना वो, आएगा नहीं, इधर टायर है ना बीच में। आराम से, थोड़ा गैप ज़्यादा है लेडीज़ों के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे चढ़ना, तो ये शिप थोड़ी अलग है भाई, थोड़ा मुश्किल है यार लेडीज़ों के लिए, इतना गैप मुश्किल है, ये बहुत गैप ज़्यादा है। तो भाई निकल गई अपनी फेरी यहाँ से, मैं फाइनली आ गया हूँ पोर्ट से गेट ऑफ इंडिया और ताज। तो मेरे पीछे आप लोगों को ताज तो दिख ही रही होगी आपको, और ये देखो अब ये है गेट ऑफ इंडिया और सामने ताज, मैं ताज भी आपको लोगों को थोड़ा पास में से दिखाऊंगा। ये देखो आप, काफ़ी भीड़ है यार यहाँ पे, लोग बस फोटो खींच रहे हैं वीडियो ले रहे हैं, और काफ़ी कुछ ज़बरदस्त वाला माहौल है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या हर ब्लॉगर यही चीज़ दिखाता है, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखी कि यार ये लास्ट में दिखाएंगे यार वापस, लेकिन ये है कि वापस बाहर जाने के लिए घूमना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब रास्ते बंद कर दिए यार। मैं ताज थोड़ा पास में दिखाऊंगा आप लोगों को, पहले आप देख लीजिए गेट ऑफ इंडिया। चलो भाई, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से माहौल। ये गेट ऑफ इंडिया के पीछे जब आप लोग आओगे तो आपको फेरी का एक स्टेशन दिख जाएगा जिसमें आपको फेरी में बैठा के भी ले जाया जाएगा, वो चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इतनी भीड़ बैठी है यार, बस यहाँ पे माहौल कुछ इस तरीके से। सामने आप, मैंने जो आपको बोला था फेरी के अंदर भी, फेरी भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ सामने फेरी के अंदर बैठ सकते हो एकदम गेट के सामने। तो भाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया गेट ऑफ इंडिया और ताज, अब मैं यहाँ से थोड़ा बाहर जाता हूँ, ताज होटल आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से निकल सकता था यहाँ से, लेकिन रास्ता बंद है तो मेरे को इधर इस तरफ से जाना पड़ेगा यार। पोर्ट से जब मैं यहाँ गेट ऑफ इंडिया तक आया करीबन 3-3.25 किलोमीटर है, टैक्सी वाले यार गजब डिमांड कर रहे थे, 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये। तो मैं थोड़ी दूर तक पैदल चल के आया, फिर मैंने लिफ्ट ली, लिफ्ट लेने के बाद फिर मैंने टैक्सी पकड़ी है, तो टैक्सी में कुछ 50 रुपये मेरा लगा तो मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे देखो छोटा सा मार्केट बनाया हुआ है, मार्केट में आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, आइसक्रीम, चाय, इधर ये जूस, भूगले, ये वो, मतलब खाने पीने की बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। ये अपने बचपन की देखो इमली, भाई साहब मुँह में पानी आ गया, ये देखो आप खतरनाक। और ये क्या चीज़ है भैया? आम के लोंचे। आम के लोंचे, और ये बेर। अच्छा अच्छा, तो ये मुंह में पानी आ गया है। तो भाई अपनी इमली बन गई, ये रेडी है, ये देखो भैया ने ऊपर से नमक भी डाला है, मस्त है, लाजवाब, बचपन की याद आ गई। स्कूल के बाद आता था ऐसा हमारा ठेला, उसमें चूरन इमली ये सब मिलते थे। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे रिक्शा अलाउड नहीं है, यहाँ रिक्शे नहीं चलते हैं, यहाँ पे ऐसे टैक्सियाँ ही चलती है। तो
आप लोगों को अगर यहाँ से कहीं भी आना जाना है तो टैक्सी के थ्रू आप आ जा सकते हो। तो भाई फाइनली आ गए हो मैं घूम कर ताज होटल की तरफ। ये देखो पास में से दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखती है पास में से, इसका स्ट्रक्चर पूरा ऐसा बना हुआ है, पूरे पत्थरों से और पूरा ब्रिटिश टाइम से ही बना हुआ है सेम एज इट इज़, कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं है, सारी मेंटेनेंस होती है। जैसे अभी देखो वो लास्ट वाले पार्ट में मेंटेनेंस हो रही है उस हिसाब से। ये देखो टॉप आप इसका, और सामने देखो ये, अगर एंट्री लेनी तो आपको यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। तो यार अब हल्की हल्की बारिश आ गई है तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन लाइव इज़ अ जर्नी।